फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दे दो। माई सेल्फ राहुल कुमार, आई हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कटिहार एंड नाउ आई एम परसुइंग माई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कैमूर इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके कितना रैंक आया था लैटरल एंट्री एग्जाम्स में? सर आई थिंक 2100 समथिंग था, 2100 प्लस था। और कॉलेज किस कैटेगरी वाइज मिला है या फिर जनरल रैंक से? कैटेगरी कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज। ओके आपने प्रिपरेशन? वाइज हाँ बोलिए। कैटेगरी वाइज रैंक आई थिंक 800 समथिंग था। ओके लैटरल एंट्री की तैयारी कब स्टार्ट किया था करना? सर हमारा एक्चुअल में सेशन 17 से 20 ही है, उसके बाद हम लोग थोड़ा अपना काम कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो स्टार्ट भी किया था, जो बीच में भी लॉकडाउन लगा और नहीं 21 में भी, तो उसके कारण सर काम जो चालू किए थे वो अच्छा चल नहीं था। फिर वही सोचे कि नेक्स्ट टाइम सोचेगा बीटेक कर ले, नाम लिखा ले बीटेक में, तो ओके वही एग्जाम से पहले स्टार्ट सर। फिर भी कितना दिन पहले स्टार्ट किया था? वही 1 महीना हमको मतलब दिए थे, 1 महीना, ओके 25 को एग्जाम था तो उसी मंथ में स्टार्ट किए थे। तो जुलाई में एग्जाम था, जुलाई में यह स्टार्ट किए थे। हाँ जुलाई में सर आप स्टार्ट कैसे किए थे? क्या कोर्स लिए थे या फिर फ्री क्लास किए थे? सर एक्चुअल में पढ़ाई का समय हो गया था, हमको 1 साल 1.5 साल हो गया था, तो जो प्रीवियस ईयर जो कॉलेज का स्टूडेंट सब फ्रेंड सब था, तो उन लोगों ने इंटरेस्ट निकाल का अपना नाम लिखाया, तो उन लोगों से ही जानकारी लिए प्रिपरेशन कहाँ से करना है कैसे करना है, तो वही लोग रिकमेंड किया आपका चैनल किया, फिर डायमंड सर का किया, तो वहीं से वो लोग भी पूरा गाइड कर दिया था कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो हाँ कोर्स सर कोर्स भी लिए थे आपका, क्योंकि पढ़ाई छोड़े समय हो गया था, तो सोचे कि थोड़ा पर्सनल कुछ इंस्ट्रक्शन ले लिया जाए सर से, सजेशन जिसके थ्रू मतलब हाँ इंटरेस्ट निकल जाए। तो फ्री क्लासेस आपने डायमंड सर का देखा, हमारा देखा, तो आप कैसे दोनों को इवैल्यूएट करते हैं? मतलब उन पे कौन सा चीजें देखते थे, हमारे चैनल पे क्या चीज देखते थे? सर जैसे मोस्टली इंग्लिश था, मैं एक्चुअल में कहा था कि मैकेनिक्स और मैथ तो हमारा थोड़ा समय हो गया था छोड़े हुए, तो चीज़ें उतना याद अच्छा से नहीं आ रहा था, स्ट्रगल हो रहा था उसको मतलब थोड़ा रिवाइंड करने में। पढ़ाने के सब दोनों लोग का तरीका अच्छा लगता था, अभी था कि हम लोग सोचते हम सो मैंने पर्सनल हम सोचते थे जो भी चीज़ें आप पढ़ाएं या फिर जो भी चीज़ें वो पढ़ाएं दोनों लोग का मतलब पढ़ ले एक बार, ताकि किधर से भी छूटे ना। और तो सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे आप फोकस किए थे ताकि हमारा जो है एग्जाम्स निकल सके? सही इंग्लिश तो हम पूरा फोकस किए थे, क्योंकि वो लोग फ्रेंड्स सब जो था जो एडमिशन लिए हुए थे उन लोग सजेशन किया था कि इंग्लिश अच्छा से पढ़ लेना, और मैथ में ये सब जो था वेक्टर था और मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट जो था हल्का फुल्का डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना याद तो नहीं आ रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ कुछ ध्यान में था तो उतना उसका पढ़े नहीं, मगर हल्का फुल्का पढ़ लिए थे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को अच्छा से पढ़े हुए थे, और मैकेनिक्स में कुछ खास ध्यान नहीं दिए, जो भी फार्मूला याद था उसी को रिविजन किया था। जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन उनका स्टार्ट करना चाहिए? सर जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जैसे क्या था कि हमारे समय जब हम इस बार एग्जाम दिए तो हमारे साथ में जूनियर लोग भी था और एक बैचमेट भी थे, तो
सर उन लोग एक्चुअल में इंग्लिश को उतना ध्यान नहीं देते दोनों लोग। जी मैकेनिक्स उन लोग का मैथ सही था, इंग्लिश दोनों लोग का मतलब बोले इंग्लिश सब तैयारी है ना, बोलता है इंग्लिश क्या सब ठीक है, और लोग दोनों लोग का नहीं निकल पाया। इंग्लिश को बहुत हम ज्यादा इजी वो ले लिए थे। बहुत ज्यादा दोनों लोग का मतलब दोनों लोग हमारे जूनियर थे, क्लासमेट थे, दोनों लोग का नहीं निकलता। मैकेनिक्स में वो लोग तेज था, मैथ मैकेनिक्स वो लोग का सही था, ओके तो तो सबसे यही पहला सारा गाइड समस्या। यहाँ पे उन लोगों के ये है कि इंग्लिश को इजी लेकर नहीं चलना है। हाँ इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। सर इस बार जो क्वेश्चन इंग्लिश का था प्रीवियस की तरह नहीं था, जो लैंग्वेज डाला गया था थोड़ा खुद से समझना था, ही नहीं था कि डायरेक्ट आप मतलब कोई भी चीज आंसर दे दीजिए। जो हाँ क्वेश्चन दिया हुआ था उसका मीनिंग अपने आप से निकलना। आप प्रीवियस में हम जितना भी क्वेश्चन देखे हुए थे तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता था कि आंसर दीजिए, इस बार थोड़ा अंदर से पूछा हुआ था, लैंग्वेज ऐड किया हुआ था। बिल्कुल। मैं हर्ष के साथ भी जो है इस तरीके का सेशन किया तो उन्होंने भी कहा था कि सर क्वेश्चन जो सिमली का था खासकर हमेशा सिमली पूछता था कि करेक्ट कौन सा है, यस लेकिन जो सर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया उसमें बोल दिया गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। हाँ और उसी में हमारा एक मैक्सिमम लोग इसमें जो है गलती करके आए हैं कि सब लोग करेक्ट मार के आए हैं लेकिन उसमें इनकरेक्ट चूज कर रहा था। हमारा भी उसी में गलत हो गया था, कंप्यूटर वाला था उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे भी, मगर वही सर मिला है कि इंग्लिश को हम लोग एक्चुअल में था ना कि हम पूरा मंथ ही इंग्लिश के रोज डेली मतलब इंग्लिश। आप लोग आप जो डायमंड सर आई थिंक पढ़ाए हुए थे क्या, तो वॉइस वॉइस मतलब साउंड पढ़ाए हुए थे, तो सब सब याद कर लिए थे, छूटना नहीं चाहिए। और ये सब मैकेनिक्स और मैथ्स का था तो सर याद उतना नहीं रहता, बहुत प्रेशर डालना पड़ा था माइंड पर। बिल्कुल आप सजेस्ट भी किए हुए थे कि कॉलेज में जाओगे तो सेमेस्टर में मैकेनिक्स मैथ ही पढ़ना है, तो उसके बावजूद भी सर एक मंथ में तो उतना हो नहीं पता, तो हम ज्यादा केयर किए इंग्लिश का इंटरेस्ट निकाल लें। हमको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए था और कोई ब्रांच चाहिए नहीं था, शेरशाह चाहिए था मगर शेरशाह मिला नहीं, तो बगल में जो हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वही हम सेकेंड विद नंबर नियर था। बाई डिस्ट्रिक्ट ही जो है कॉलेज को लिए। चलो हाँ यस सर अच्छा है कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में लिए हो, क्योंकि वहां पे क्या है कि आप दूर भी जाओगे तो वही चीज पढ़ाया जाएगा जो नजदीक में पढ़ाया जाए, हाँ यस क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डिप्लोमा जो है से दूर से आप झेल चुके होंगे कि कितना जाने में बहुत तकलीफ होता है और फिर आने में प्लस क्या पढ़ाई होता है वो हर किसी को पता है, पढ़ना खुद से ही है। वही सर था कॉलेज कटिहार डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो है सर, वहाँ कटिहार पॉलिटेक्निक अच्छा कॉलेज है, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ यही था कि आने जाने में हम लोग को मतलब जब भी छुट्टी या ऐसे भी, शुरुआत में तो हम लोग रेगुलर नहीं थे, आए मतलब आते थे फिर चले जाते थे, बहुत दूर लगता। हाँ दूर तो दूर में है, थोड़ा आने जाने में परेशानी थोड़ा ज्यादा होता है। परेशानी हो जाता और दूसरा गाइड क्या यार, करना चाहता है? गाइड नहीं है कि उतना प्रेशर नहीं लेना है, बस इंग्लिश पढ़ना है। हाँ सिविल जो है सिविल इसको लेना है, सीएस लेना है, तो थोड़ा अपना केयर करें। मैथ मैकेनिक्स मैथ में देख ले, मैकेनिक्स भी सही था, मतलब जो आगे में हमारा फ्रेंड बैठा हुआ था वो लोग अच्छा सब सॉल्व किया था, वो लोग सिविल चाहिए भी था, प्रीवियस ईयर बोल रहा था कि हम दिए हुए थे एग्जाम हमारा रैंक ज्यादा आ गया, वही जिसको सीएस चाहिए सिविल चाहिए तो थोड़ा हम उनको लोग से मेहनत ज्यादा करने मेहनत की जरूरत है करें। मैथ्स मैकेनिक्स पे। यस तो मैकेनिकल लास्ट इलेक्ट्रिकल वाला सर हाँ उन लोगों को ज्यादा प्रेशराइज्ड होने की जरूरत नहीं है, बट जो लोग नहीं लास्ट सर 25 डेज में आपने पढ़ा तो कितना देर आप स्टार्ट किए थे पढ़ना? सर मॉर्निंग से ही पढ़ने लगते थे, मॉर्निंग में जग अप्रोक्सीमेटली कितना आवर्स जाते पढ़ते थे? सर 5 बजे जगते थे तो सर 9 बजे तक डायरेक्ट पूरा इंग्लिश कंटिन्यू पढ़ते थे, और उसके बाद सर जो भी मैथ का क्वेश्चन रहता था मतलब जब तक अच्छा लग रहा है तब तक पढ़ते थे,
यही सब जो हल्का टॉपिक है सब, लेटेस्ट डेवलपमेंट। और फिर मैं बोल रही है ना सर, मोस्टली हम इंग्लिश पढ़े हुए थे ज्यादा, हम ये सब मैट्रिक्स मैथ्स में यही सब लिमिटेड था मैथ्स में, और ओके, इंग्लिश सबसे ज्यादा यही था कि पढ़े एक थे। हाँ, महीना अच्छा से पढ़े। तो इंग्लिश सबसे ज्यादा पढ़े थे, तो यस उसमें सर, इंग्लिश सबसे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा लगा आपको, जो हार्ड भी है और वो इम्पोर्टेंट भी है? सर, उस लेवल बहुत हार्ड है इस लेवल बहुत हार्ड है। जो, और साउंड साउंड से नहीं पकड़ना था जिसको, हाँ, लेवल ही ना आसान फोनेटिक्स सिलेबल दोनों एक ही पार्ट है। था उसको। आज तक हम बहुत मतलब एक्चुअल में सजेस्ट कर दिया था कि मेरा दोस्त इंग्लिश पढ़ना है, तो हम पूरा एकदम प्रयास करते हैं सिलेबल हमको आ जाए। हम पकड़ भी लिए थे ऐसे सिलेबल को, मतलब टाइम दिए थे सिलेबल को, बहुत सिलेबल पढ़ने। तो कुछ बता सकते हो कि सिलेबल कितने तरीके का होता है? आई थिंक ध्यान नहीं है, 12 से या 8 कुछ ध्यान नहीं है, दो सिलेबल तो दो ही है। ही है। कुछ फोनेटिक सर क्या था ना, टाइप फोनेटिक्स फोनेटिकल में टाइप तो कुछ। वो तो साउंड जो है ना वो 44 होता है, 20 वोवेल हाँ साउंड और 24 जो है कॉन्सोनेंट साउंड। ये लोगों बस मतलब जिसे आप थ्योरेटिकल पूरा अच्छा से नहीं पढ़ रहे थे, मतलब जो साउंड एग्जाम्पल सब था, तो मेनली उसी को साउंड पर प्रनाउंस करके, प्रोनाउंसिएशन करके साउंड निकालने की कोशिश कर रहे थे। ओके, चलो कोई नहीं, आपने अच्छा किया, क्योंकि लास्ट 25 डेज में भी अपना ब्रांच ले पाना ये एक मायने रखता है। क्योंकि ठीक है, कॉलेज कोई भी मिला हो, बट पास करना भी एक इम्पोर्टेंट है। कई सारे लोग देते तो हैं लेकिन पास नहीं होते हैं। हाँ वही हम बता रहे हैं सर आपको, वो लोग दोनों लोग का नहीं हो पाया, दो तीन लोग थे साथ में, इसीलिए सजेशन है कि इंग्लिश मोस्टली मतलब पूरा अच्छा से ध्यान देना है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग एक लोग तो जेई सब तैयारी कर रहे हैं जेई का, ये जूनियर जो है उनका तो जानकारी नहीं हो क्या करना है। तो आप आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब तो आपका बीटेक कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो अब क्या करने वाले हैं मुझे? सर अभी पूरा फोकस है, जो भी डिप्लोमा में गलतियां किए हुए हैं वो सब को ना दोहराया जाए, जैसे जो भी कुछ इलेक्ट्रिकल बता का। सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या गलतियां आपने किया है डिप्लोमा में, उस जो कि अभी हो सकता है कि समय डिप्लोमा में वो हो 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, तो वो अभी कम से कम लास्ट ईयर में डिप्लोमा में ना करें वो गलती। सर इंजीनियरिंग लाइन में जो भी चीजें मतलब जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखना, कंप्यूटर लैंग्वेज, कोई स्किल्स, इस सब पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर हम लोग को बताया भी नहीं जाता है मोस्टली। आप लोग को कभी भी सर लोग भी होते हैं तो वही जॉब का, ई जॉब में क्वेश्चन आएगा ये आएगा, ऐसा कभी बातचीत नहीं होता है कि ये वाला स्किल सीख लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि टाइम बहुत ज्यादा होता है हम लोग के पास इंजीनियरिंग में। लास्ट टाइम पढ़ते हैं आप, जो भी पढ़ाई तो रहता है हम लोग सही चलता है सभी स्टूडेंट का, तभी तो हम लोग और भी आगे एग्जाम एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते हैं। बट जब एग्जाम नहीं निकलता है या फिर हम लोग का माइंड थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है, तब हमारे पास वैसा कुछ चीजें नहीं रहता है जिसके थ्रू मतलब हम आगे बढ़े, दूसरे दिशा में बढ़े। तो वही सब चीजें सब, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, इस समय ऑनलाइन बहुत सारी चीजें चल रहा है कि जिसके बिल्कुल, बारे में हम लोग को फाइनेंशियली ज्ञान नहीं है, फाइनेंस का भी सब, वो सब चीजें ज्यादा कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। आपका कहना है कि अपने पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको साइड से सीखना है, जो कि आपके लाइफ को आगे और बेटर बना सके। ओके, यस सर, कॉन्फिडेंस यस। ये तो पहला हुआ। दूसरा, दूसरा है कि जो सेमेस्टर में हम लोग अच्छा डिप्लोमा में अच्छा नंबर नहीं आता था,
केयर नहीं कर, दूर था तो हमारा उतना मन भी नहीं लगता था, तो हमारा अपना थोड़ा सब्जेक्ट पड़ जाता इलेक्ट्रिकल, थोड़ा फैसिनेटेड है थोड़ा, तो थोड़ा हम ज्यादा इजी ले लेते हैं, जो भी न्यूमेरिकल सब है उनका मतलब अच्छा पढ़ते नहीं थे, बस पास वर्क, तो उस सबको केयर करना है कि नहीं न्यूमेरिकल में भी अच्छा होना है, वही चीज है। मतलब सर जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका मतलब अच्छा से भी ज्ञान लेना है, या फिर मैथमेटिक न्यूमेरिकल होगा या फिर ऐसा थ्योरेटिकल होगा। यार जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे और जो भी ब्रांच के हों उसे कोई मैटर नहीं रखता है, बट ब्रांच पेपर पे भी अच्छा खासा पकड़ बनाकर रखना है। ये ना कि फिर सिर्फ जो है सेमेस्टर पास करना है हमें, बस इतना पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, उसको वही सब फोकस करना है आगे बढ़ने। गलती ओके चलिए, डेट्स वेरी फाइन। यहाँ पे तो बीटेक में आपको बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, करने को मिलेगा, तो करने को मिलेगा। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप अपना कांटेक्ट आईडी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, जो ताकि आप उनको हेल्प कर सके अगर वो आपसे कांटेक्ट करें तो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ईमेल हो गया, टेलीग्राम हो गया। सर वहां जहाँ वीडियो अपलोड करें खुद ही कोई सजेशन मांगे तो हम वहाँ वो लोग हम हेल्प करेंगे, मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे। ओके ओके ठीक थैंक यू सो मच। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी बातों को जो है यहाँ पे शेयर किया। थैंक यू सर।